गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्व नेक्स्ट टॉपिक एनिमल ब्रीडिंग फेज, जंतु प्रजनन अवस्था। कल हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग फेज बताया हुआ था। प्लांट ब्रीडिंग फेज में मैंने बताया हुआ था कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें ब्रीडिंग दो प्रकार की होती है। पहला नंबर जो था आप लोगों का मोनोकार्पिक था और दूसरा नंबर पॉलीकार्पिक था, है ना। तो मोनोकार्पिक में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, जो पूरे सीजन में क्या करते हैं, एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, एक ही बार उनमें पुष्पन होता है और इसके बाद उनमें केवल एक ही बार फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है और वो इसके बाद नष्ट हो जाते हैं, जिनको हम मोनोकार्पिक कहते हैं। इसके बाद हमने पॉलीकार्पिक के बारे में बताया हुआ था कि पॉलीकार्पिक किसे कहते हैं। तो पॉलीकार्पिक वो प्लांट्स होते हैं जो कई बार फ्लावरिंग करते हैं और हर सीजन में क्या करते हैं, एक निश्चित समय आने पर फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूट्स का निर्माण करते हैं, है ना। तो इनकी जो लाइफ प्रोसेस होती है वो कई सालों की होती है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम किसमें, अब आते हैं एनिमल ब्रीडिंग फेजेस में। एनिमल ब्रीडिंग फेजेस है क्या, जंतु प्रजनक अवस्था। जंतु प्रजनक अवस्था क्या है, तो जनन काल, ध्यान रखिएगा, जनन काल के आधार पर मींस जो ब्रीडिंग फेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, रिप्रोडक्शन स्टेज के आधार पर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं जो सीजन पर ही अपने ब्रीड्स को उत्पन्न करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करते हैं, और दूसरे जीव होते हैं जिनका जीवन काल या जिनका जनन काल निर्धारित नहीं होता, वो सीजन के किसी भी समय ब्रीडिंग कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जनन के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला सीजनल, मौसमी जिसे कहते हैं सीजनल, जो एक निश्चित सीजन पर ही, जो एक निश्चित काल में ही, जो एक निश्चित समय में ही क्या करते हैं, अपने ब्रीड्स को या अपनी ऑफस्प्रिंग को ओरिजिनेट करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, सीजनल कहते हैं, सीजनल एनिमल्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस एनिमल्स क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होने के बाद, पहले नहीं, क्यों, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे तब तक उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप जब तक नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरी पाई जाती है, जब तक ओवरी पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगी, ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवा का सिक्रीशन नहीं होगा, तब तक जायगोट का निर्माण नहीं होगा। अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में जब तक टेस्टिस से स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा या टेस्टिस पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी, तब तक हमारे स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। जब स्पर्म ओवा से मिलेगा ही नहीं, तब तक हमारा क्या नहीं होगा, बेबी का डेवलपमेंट या जायगोट का निर्माण नहीं होगा। तो यही कह रहा है कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जब एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तब इनमें क्या होता है, तब इनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जागृत होती है और रिप्रोडक्शन वर्ष के किसी भी समय परिपक्वता आने पर, लैंगिक परिपक्वता आने पर किसी भी समय ये प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एनिमल्स कहते हैं या सतत जनन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रजनन के आधार पर एनिमल्स को दो भागों में बांटा गया है, सीजनल और कंटिन्यूअस। सीजनल क्या है, इस प्रकार का प्रजनन वर्ष के एक निर्धारित समय, ध्यान रखिएगा जो सीजनल है वर्ष के एक निर्धारित समय, उनमें एक समय निर्धारित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में जो सीजन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कंटिन्यूअस हमारा जो सीजन होता है वो बदलता रहता है, है ना। और मुझे पता है कि आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे भारतवर्ष में कितने सीजन पाए जाते हैं,
अगर नहीं पता है तो आप लोगों को भूलेगा नहीं, कभी याद रखिएगा। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, पतझड़ मौसम बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, है ना। तो एक बरस में कितने मौसम? चार मौसम। कौन कौन से? पतझड़ सावन बसंत बहार, चार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक बरस में चार मौसम होते हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार। पतझड़ आता है, फिर सावन आता है, फिर बसंत आती है, फिर बहार आती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार का प्रश्न वर्ष के एक निर्धारित समय, वर्ष का एक निर्धारित समय होगा, इन चार में से कोई एक निर्धारित समय होगा, ठीक है, जिसमें ये प्रजनन करते हैं, क्या करते हैं, अपने बीट उत्पन्न करते हैं, और ऐसे हमारे स्टेज को सीजनल एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सीजनल एनिमल ब्रीड कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश आती है ना, तभी हमें कर्कस ध्वनि सुनाई देती है, कौन सी, टर्र टर्र टर्र, है ना। आप लोगों के घर के आसपास, आप लोगों के किचन में, आप लोगों के बाथरूम में, आप लोगों के आंगन में मेंढक उछलते उछलते, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, दादी मम्मी पापा, मेंढक के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, वो आप लोगों के घर में घुसकर घुसे हुए दिखाई देते हैं, है ना। कब? जब बारिश होती है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, सीजनल कहलाते हैं, जो एक निश्चित सीजन में ही ब्रीड उत्पन्न करते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, पंछी, कुछ पंछी, सारे पंछी नहीं, कुछ पंछी की बात की जा रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, कुछ पंछी, हिरण, बाघ, इटीसी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर क्या बताए गए हैं कि सीजनल ब्रीडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, या सीजनल ब्रीड किन एनिमल्स में पाया जाता है। अब आते हैं कंटिन्यूअस, लगातार। ठीक है, लगातार में अगर हम देखें तो इस प्रकार का जो प्रजनक है, उनकी लैंगिक परिपक्वता मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कि जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, है ना, तब आप लोगों में क्या होती है, जो सेक्सुअली मैच्योरिटी होती है, सेक्सुअली मैच्योरिटी आने के बाद किसी भी समय आप प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मीन्स आप किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं, और आपकी जो ब्रीड होगी वो किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, आपकी जो ऑफर स्प्रिंग होगी वो किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। आप देखते होंगे कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सबकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो अलग अलग होगी, किसी की मई में, किसी की जून में, किसी की जुलाई में, किसी की अगस्त में, किसी की सितंबर में, किसी की अक्टूबर में, किसी की नवंबर में, किसी की दिसंबर में। जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है आप लोगों को पता ही है ना, लेकिन फिर भी जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, 1 जून, है ना। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून है, मीन्स जो हम पैदा हुए थे वो गर्मी के सीजन में पैदा हुए थे। किसी का डेट ऑफ बर्थ दिसंबर में होता है, जैसे मेरे बेबी का डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर है ना, वो ठंड में पैदा हुआ था। तो जो कंटिन्यूअस हमारी ब्रीडिंग होती है, वो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में क्या नहीं होता, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में सीजन निर्धारित नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, वो किसी भी समय क्या होता है, अपने ब्रीड को या अपनी ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न कर सकता है। और ऐसे हम एनिमल्स को या ऐसी स्पीशीज को या ऐसी फेजेस को हम क्या कहते हैं, एनिमल, सॉरी, कंटिन्यूअस एनिमल ब्रीडिंग फेज। तो आप लोगों को ये दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि सीजनल ब्रीडिंग किसे कहते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडिंग किसे कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, हमारा अगला टॉपिक है अपरायुक्त स्तनधारियां, अपरा। तो अपरायुक्त स्तनधारियां, स्तनधारी, अपरा, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अपरायुक्त स्तनधारी। ठीक है, कैसे स्तनधारी जिनमें अपरा पाया जाता है। अपरा क्या है? तो अपरा आप लोगों का क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कहलाता है। और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या होता है कि जो आपके बेबी होते हैं वो आपके मदर के प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, जिससे बेबी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ जितना भी मटेरियल्स है वो सारा का सारा किससे प्राप्त होता है, मदर से ही प्राप्त होता है। ठीक है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा।
ठीक है, तो जिसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में नारा कहते हैं, है ना। क्यों, जब बेबी बाहर आता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब बेबी बाहर आता है तो जो प्लेसेंटा होता है उनको बीच से पकड़कर काट दिया जाता है, और अब क्या होता है, बेबी अलग हो जाता है और मदर अलग हो जाती है। अब बेबी क्या करता है, न्यूट्रिशन को बाहर से प्राप्त करता है। जब बेबी यूट्रस में होता है तब न्यूट्रिशन को मदर से ही प्राप्त करता था, लेकिन अब कहाँ से प्राप्त करेगा, बाहर से प्राप्त करता है, ठीक है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की ओर। कौन सा है, अपरायुक्त स्तनधारियां, ऐसे स्तनधारी जिसमें हम क्या पाए जाते हैं, प्लेसेंटा पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अपरायुक्त स्तनधारी क्या कह रहा है, अपरायुक्त स्तनधारी, ऐसे स्तनधारी जिनमें अपरा पाया जाता है। स्तनधारी तो आप लोग जानते ही होंगे, स्तनधारी किसे कहते हैं, तो स्तनधारी वे एनिमल्स होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, कौन सा अपरायुक्त स्तनधारी। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या आता है। देखिए हमारा अगला टॉपिक है अपरायुक्त स्तनधारी, प्लेसेंटल मेमल्स। तो ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटल मेमल्स मैंने आप लोगों को पहले बता रखा हुआ कि ऐसे मेमल्स जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है उन्हें हम प्लेसेंटल मेमल्स कहते हैं। तो ये मेमल्स जो होती हैं अंडाशय की सक्रियता, अंडाशय ध्यान रखिएगा, अंडाशय की सक्रियता, ठीक है, अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाएं एवं हार्मोन्स में अपने प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अंडाशय की सक्रियता, जो अंडाशय होते हैं उनमें क्या करते हैं, अंडाशय की सक्रियता उनको एक्टिवेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय होते हैं उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अगर एक अंडा एक अंडा अगर एक ओवत आप लोगों का एक ओवरी से सिक्रीट हुआ है तो अगले स्टेप में जो अगला ओवर निकलेगा वो अगले ओवरी से सिक्रीट होगा, ठीक है। तो उनकी सक्रियता को बनाए रखते हैं। इसके बाद सहायक नलिकाएं, जो हमारी एक्सेसरी ट्यूब्स होती हैं जो इस अंडाशय को हमारे कहां तक, यूट्रस तक लाने में या फैलोपियन ट्यूब तक लाने में मदद करती है, ठीक है, ये उनकी बात कर रहा है। और हार्मोन्स, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ओवा को सिक्रीट करने में या उनमें मेच्योरिटी लाने में मदद करते हैं। तो इनमें क्या होता रहता है, निरंतर क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, ऋतुस्राव, रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहली अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में महीने के किसी एक समय पर या महीने की किसी एक डेट पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जिसमें ब्लडिंग के दौरान ओवा का सिक्रीशन होता है। यदि उस दौरान आपका ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। यदि ओवा फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो वह ब्लडिंग के दौरान ओवा बाहर निकल जाता है, और अगर हमारा जो ओवा है वो पहले ओवरी से निकला हुआ है तो अगले मासिक चक्र में हमारा जो ओवा निकलेगा वो अगले ओवरी से निकलता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप लोगों को पता होगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल वह स्टेज है जिसमें फीमेल्स में क्या होता है, ओवा का सिक्रीशन होता है। मासिक चक्र जिसे हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, मासिक चक्र, ध्यान रखिएगा, मासिक चक्र किसे कहते हैं, जो महीने की किसी एक समय पर होती है उसे हम मासिक चक्र कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, तो यह चक्र परिवर्तन का मासिक क्रम है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन का मासिक क्रम, ठीक, जो रजोदर्शन से लेकर रजोनिर्वृत्ति तक मादा प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर और मनुष्य के अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। तो अंडाशय को उत्पन्न करता है, ठीक है, और हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, कौन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसी दौरान जो फीमेल्स होती हैं जब उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उन लोगों को बहुत तेज दर्द होता है, क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने वाली है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिससे आप लोगों को क्या होता है, बहुत तेज दर्द
होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। अगला आता है, और ये मासिक चक्र कब तक रहता है, तो रजो दर्शन, जब आप लोगों का मासिक चक्र स्टार्ट होता है तब से जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलता है, जिसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है कौन सा, ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल क्या है, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ध्यान रखिएगा, वो प्राइमेट्स में पाई जाती है, और जो ऑस्ट्रस साइकिल होती है वो नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है। नॉन प्राइमेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन प्राइमेट्स जैसा हमारे प्राइमेट्स में होता है वैसा ही नॉन प्राइमेट्स में होता है। स्तनधारी मादा के अंडाशय प्रजनन मार्ग और हार्मोन्स में होने वाले चक्रीय परिवर्तन होता है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि। लेकिन इनमें अंतर क्या है, तो जब हमारा ऑस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होती है इस दौरान क्या होता है कि इस दौरान फीमेल्स के ब्लड में, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो इसको अगर आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, क्योंकि नीचे आप लोग देख नहीं पाएंगे इसलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप लोगों को ऑस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होती है, तो ऑस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होने के दौरान क्या होता है कि फीमेल जो हमारी मादा होती है, तो मादा के ब्लड में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन अधिक बढ़ जाती है, जिससे इनमें इनमें संभोग, ध्यान रखिएगा, जिससे इनमें संभोग करने की क्षमता अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिससे ये मादा नर के संपर्क में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों का ऑस्ट्रस साइकिल है, ऑस्ट्रस साइकिल में मैंने आप लोगों को बताया कि जो परिवर्तन हमारे प्राइमेट्स में होते हैं वही परिवर्तन हमारे नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। लेकिन इनमें फर्क कितना होता है कि जब इनमें ऑस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होती है, तो ऑस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होने के दौरान फीमेल्स जो होती है, फीमेल्स में क्या होता है कि एस्ट्रोजन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है इनमें संभोग करने की जो इच्छा होती है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। और जब संभोग करने की जो इच्छा होती है अत्यधिक तीव्र हो जाती है, तो ये जो फीमेल्स होती हैं, ये फीमेल्स क्या होती हैं, नर के संपर्क में आ जाती हैं, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल ये दोनों समझ में आ गई होंगी। यहाँ से हमारा जो ब्रीडिंग फेजेस थे वो ब्रीडिंग फेजेस हमारे यहाँ से खत्म हो रहे हैं, लेकिन अभी इसके इसमें एक टॉपिक और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, और इसके बाद हमारा ये जो पेजेस थे ये पेजेस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और पेजेस खत्म होने के बाद आप लोगों का जो अगला टॉपिक है जीर्णावस्था, वो चालू हो जाएगी। और जीर्णावस्था के बाद हमारा लगभग ये लेसन क्या है, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक।